अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके सामने भरवा बैगन की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके लिए एक पैन में हम 2 चम्मच धनिया लेंगे, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सौंफ, आधी चम्मच राई और 1/4 चम्मच जितना हम मेथी दाना लेंगे। अब हम इन सबको मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। दो मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून कलौंजी। कलौंजी डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा स्टर करेंगे और फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद में हम इसे मिक्सी जार में डालेंगे और इसे दरदरा सा पीस लेंगे। ये हमने पीस लिया है दरदरा सा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें रहेगा लाल मिर्ची पाउडर और हम इन सबको एक साथ मिलाकर फिर से ग्राइंड करेंगे। ये पाउडर हमारा तैयार हो गया है। इसे हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम ये थोड़ी सी हमने सेंग ली है और इसको हमने रोस्ट करके इसके छिलके उतार लिए थे, इसको भी हम कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे, दरदरा सा पीस लेंगे और साइड में रख देंगे। और हमने ये छोटी साइज़ के बैगन एकदम लिए हैं, एकदम छोटी साइज़ के बैगन है, इसको हम बीच में से इस तरह से कट लगाएंगे, धोकर साफ़ कर लेंगे बैगन को और इस तरह से कट लगाएंगे। सारे बैगन में हम इस तरह से कट लगाएंगे और देख ले कि बीच में से कोई ख़राब तो नहीं है। सारे बैगन हमने इस तरह से कट लगा लिए हैं। अब हम इस बैगन के जो कट का हिस्सा है इसमें हम ये सारे मसाले भरेंगे। ये मसाला हम थोड़ा थोड़ा करके ऐसे भरेंगे। इस तरह से हम सारे बैगन को मसाले से भर देंगे। ठीक इसी तरह हम सारे बैगन को मसाले से भर देंगे और हमारे बैगन सब मसाले भर के रेडी हो गए हैं। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और उसमें 1/4 चम्मच की जितना हम उसमें ज़ीरा डालेंगे और थोड़ा सा 2 चुटकी की जितना हम उसमें हींग पाउडर डालेंगे, 1 बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज डालकर हम उसे प्याज को लाल करेंगे, थोड़ा हल्का ब्राउन करेंगे, एकदम लाल नहीं करना है हमें, हल्का ब्राउन करना है। अब उसमें हम 1/2 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे। लहसुन के पेस्ट डालकर हमें इसे कच्चापन ख़त्म होने तक भूनना है। अब उसमें हम 2 चुटकी की जितना हम उसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच की जितना लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे। सारे मसाले हम मिक्स कर लेंगे। ये मसाला हम ग्रेवी के लिए तैयार कर रहे हैं, बाकी हमने तो थोड़े मसाले हमने बैगन में भी भरे हैं सेम मसाला, और ये हम ग्रेवी के लिए तैयार कर रहे हैं। और ये एक टमाटर को हम मैंने पीस लिया था, बड़ा टमाटर को मैंने पीस कर उसकी प्यूरी बना ली थी, उसको हम ऐड करेंगे और प्याज के साथ इस तरह से भुनेंगे। मसाले की जितना हम नमक डाल देंगे हसबे ज़रूरत, भुनेंगे मसाला। अब इसमें हमने जो सेंग दाना पीसे थे ना हमने, वो दरदरा सा हम इसमें ऐड करेंगे और इसे भी साथ में भुनेंगे।
एक से दो मिनट ही भूनेंगे हम इसे। फिर हम इसमें जो बैंगन भरे हुए थे, हमने भरे थे मसाला, वो इसमें डाल देंगे। सारे बैंगन हम उसमें डाल देंगे और उसमें हम आधा गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी उबलने लगा है, अब हम इसे धीम गैस धीम करके 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट बाद देखिए बैंगन अच्छे से गल गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है, मसाला भी अच्छी तरह से भुन गया है। ये देखिए बैंगन एकदम अच्छे से गल गया है। बस अब हम इसमें हरा धनिया काट कर डालेंगे, बारीक चॉप करके हरा धनिया डालेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारा भरवा बैंगन मसाला रेडी है। और हमारा भरवा बैंगन मसाला रेडी हो गया है। ये बहुत टेस्टी होता है खाने में, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।